श्री कृष्ण भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, यूं तो आपने श्री कृष्ण जी के तमाम भक्तों के किस्से सुने हैं, लेकिन नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे परम भक्त हैं जिसने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। ये मैं आपको बता रही हूँ अम्बे सीडी एवं कैसेट के माध्यम से। अरे ओ पथिक, ठहर, जा कह रहा है तू? अरे अरे बाप रे, शेर! लगता है आज दाऊ जी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये शेर आज हमें यहीं खा जाएगा। हे भगवान, कहां फंस गए हम? अरे डरता क्यों है, बोलता क्यों नहीं? मुझसे डर मत, साफ साफ मुझे बता, कहाँ चला जा रहा है तू? मैं दाऊ जी के यहाँ तक जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने को। हम तुझ पर हमला नहीं करेंगे, मगर ठहर, ये कुछ भेंट दाऊ जी के पास ले जाना और उनको देना नहीं भूलना। नहीं नहीं, मैं ये तुम्हारी भेंट दाऊ जी को अवश्य पहुंचा दूंगा। हाँ, हे
क्यों रे पते, तूने हमसे चाल खेली? नहीं 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 नहीं, मैं महाराज, मैं खामोश। मैं क्या करता है? तेरे अंदर बेईमानी आ गई, इसलिए तूने रास्ता बदल लिया। शायद तू जानता नहीं कि मेरे अंदर दैविक शक्ति है, तू मुझसे छुपकर नहीं जा सकता। नहीं नहीं सिंहराज, मैं आपके डर के कारण उस रास्ते से नहीं गया। चलो छोड़ो, ये बताओ दाऊ जी ने कुछ दिया हमारे लिए? हाँ सिंहराज, आपके लिए दाऊ जी ने ये दो झांझे दी हैं। हाँ तो देखते क्या हो, इन्हें हमारे आगे के दोनों पाँव में बांध दो, तो आज हम गोविंद 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 की धुन पर जमकर नाचेंगे। शीला, तुम उदास बैठी हो, क्या हुआ? यहां आओ, बताओ क्या बात है? अरे अरे, तुम तो रोने लगी, मुझसे कछु भूल हो गई? सुनो पिया, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप साधु संतों के ढिंग मत जाया कीजिए, मगर मेरा आपसे यही कहना है कि कुछ काम धाम भी किया करो। मुझसे अब ये जिठानियों के ताने नहीं सुने जाते, कल को हमारी संतान होगी तो क्या होगा? सारी चिंता उस बंसीवारे पर छोड़ दो, वो सब ठीक करेगा। बन के
काम काज करेगा भी या नहीं? अरे तुझे कुछ शर्म आया है? साधुओं के साथ बैठकर तू बाबा बना फिरता है? अरे हम यहाँ रोज कमा कर लाते हैं तो तू बैठकर खाता है? अरे कुछ शर्म कर, शर्म। साधु संतों के साथ रहकर कुछ नहीं मिलने वाला, नालायक। भैया मेरी एक बात सुनो, मुरली वाले का सेवक हूं मैं और उसी की धुन में लगा रहता हूं। व्यर्थ नहीं कोई काम करूं मैं, गोविंद गोविंद रटता हूं। भैया मेरी एक बात मानो, आप भी उस प्रभु को याद कर लिया करो। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत करो प्रभु श्याम से। नालायक, तू हमें शिक्षा दे रहा है, कान खोल कर सुन ले। अगर तूने हमारी बात ना मानी ना तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। चलो। होश में आ जा, क्यों तू हमरे कुल की लाज को दाग लगाना चाहता है? ये साधु संत जिनके साथ तू रहता है सब भाग जावेंगे, कोई मुसीबत के समय तेरे काम नहीं आवेंगे। भाभी ऐसे बोलना बोलो, और बंसी वाले के होते हुए मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अपने भक्तों की स्वयं ही लाज रखते हैं। अरे ओ कल के बिगड़े, तुझे इतना भरोसा है अपने बंसी वाले पर? हाँ भैया, मुरली वाले पर मुझे पूरा भरोसा है। बता दो, ज्यादा बोला। बिना कुछ किए तो परमात्मा भी कुछ नहीं देता, वो भी करनी करने पर ही देता है। तू प्रभु के भरोसा होगा, हम नहीं है। भैया हमसे चाहे जितना नाराज हो लो, पर उस परमात्मा पर नाराज क्यों होते हो? उस पर नाराज होने की कोशिश ना करो, वो सबका दाता है, दयालु है। अरे अज्ञानी, शायद तू भूल गया, हम तुझे और तेरी पत्नी को बैठा कर खिला रहे हैं, तू ढेला नहीं कमाता। अगर तू काम नहीं करना चाहता हमसे अलग हो जा। भैया आपकी जैसी इच्छा है, यदि आप हमें अलग करना चाहते हैं तो हम एकदम तैयार हैं। हमें अलग कर दीजिए। और हाँ, मेरा आपसे फिर कहना है, आप भी प्रभु का ध्यान कर लिया करें। अजी मैं कहती हूँ, इस कमाऊ खाऊ उड़ाऊ को अलग क्यों नहीं कर देते? अगर आज इसे अलग नहीं किया, कल इसकी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसका ब्याह भी हमें ही करना पड़ेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, इसे इस घर से अलग करना ही पड़ेगा। ¡Gracias!
मैं जानता हूं सुशीला, इस माया के रहते हम प्रभु का ठीक से गुणगान भी नहीं कर सकते। जब तक ये धनमाया हमारे साथ रहेगी हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। मैं ये भी जानता हूं सुशीला, इधर हमारी बिटिया रामा जवान हो गई है, हमें इसका तुरंत विवाह कर देना चाहिए। तो फिर पंडित और नाई को बुलाकर उन्हें बेटी के वर को ढूंढने के लिए क्यों नहीं कहते? तुम ठीक कहती हो सुशीला, मैं पंडित और नाई को बुलाकर तुरंत वर ढूंढने के लिए पहुंचाता हूँ। अपनी बेटी रामा से मिलने नहीं जा पाए और खबर ही नहीं ली। इधर रामा के एक बेटी भी हो गई जो धीरे धीरे 18 साल की हो चुकी है। मनसा सेठ उसकी शादी की तैयारी कर रहा है, सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र लिखवा रहा है, मगर नरसी जी को चिट्ठी पत्री नहीं भेज रहा है और अपने नौकर चाकरों को समझाता है। और क्या समझाता है? अरे ओ लेखपाल, तुम मेरी नातिन की शादी का निमंत्रण सारे रिश्तेदारों को देना, लेकिन नरसिंह को मत बुलवाना इस शादी में। मगर क्यों सेठ जी, नरसिंह जी तो आपके समधी हैं और जूनागढ़ के सेठ हैं। अरे वो कोई अब सेठ वेट नहीं रहा, वो तो भिकमंगा है, नंगा है, मांग मांग कर खाता है और गोविंद 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 गाता है। ध्यान रहे, शादी में सारे रिश्तेदार आए लेकिन नरसिंह नहीं आना चाहिए। अगर वो शादी में आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी, हम बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इधर जब रामा को पता चला कि हमारे ससुर ने मेरी बेटी की शादी में सबको बुलाया है और मेरे पिता को चिट्ठी नहीं भेजी, मेरे बबुला को शादी को न्योतु ना दियो, तब शाम को काम से निवृत्त होके अपनी सास के पांव दबाने लगी और हिचकी भर भर रोने लगी। क्यों रामा, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू, तू क्यों रो रही है? हाँ अम्मा, मैं रो रही हूँ।
मगर क्यों? सुनो अम्मा, बातन करती? मुझे लगता है तुझे इस घर के सुख पाकर तेरी बुद्धि बौरा गई है या खराब हो गई है। तू ये नहीं समझती कि तेरे बाप के पास अब धन दौलत नहीं है और तू उस भिकमंगे के यहाँ भात न्योता देने जा रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तेरे बाप को चार चार दिन फाके करते हो जाते हैं, भूखा मरता है तेरा वो बाबुल। कान खोल के सुन ले बहू, अगर वो तेरा नंगा बाप यहाँ आया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। समय
के बिन ब्याह की शोभा नहीं होती और भतैयों के बिन मंडप भी सुनो लगत है। अम्मा मैं जानती हूँ मेरे बाप के पास कौड़ी भी ना है देबे को, पर मेरा पीहर बहुत बड़ो है। मेरे इतने बड़े कुनबा में कोई तो मेरी लाज रखवे आवेगो, और इसी बहाने से मैं अपनो जूनागढ़ भी देखाऊंगी। सासू अम्मा मोहे बस एक बार भर जावे दो, मेरी अम्मा मेरे लिए तड़पती होगी। मैंने अपनी माँ को बहुत सालों से नहीं देखा है। अच्छा तो तू अपनी अम्मा के लिए इतनी बिलबिला रही है, तो तेरे ससुर को बुलाती हूँ। अरे ओ कामदार। हाँ सेठानी जी। जाओ अपने सेठ जी को बुला के ले आओ। जी मालकिन। क्या बात है सेठानी, तुमने मुझे बुलाया? अरे ये बहू अपने पीहर जाने की जिद कर रही है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। कहती है मेरे बाप को शादी में न्योता क्यों नहीं दिया। बहू से कह दो कोई याद भात की जरूरत नहीं है, इसके बाप की औकात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझा दो इसे। तो लिखने वाले कहीं थक तो नहीं गए? अरे नाना आप बोलिए और क्या लिखना है। हाँ तो लिखो, कोई भी कपड़े का थान 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और सारे कपड़ों के थान में हीरे मोती जड़े हों, और सारे जेवरात सोने के होना चाहिए, कोई भी चीज हल्की ना हो भारी होना चाहिए, 60 जोड़ी बिछुआ और बहू के हाथों के लिए हीरे जड़े कड़े, और लिखो कि हमारे समधी नरसी भात में और क्या क्या लेकर आए। लिखो भाई लिखो, लेखपाल। लिख रहा हूँ मालिक। हाँ। I'm sorry.
हाँ तो भाई सब लिख गया ना जी। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं नहीं। अरे हाँ लिख दो भाई, जब नरसी यहाँ आए तो जरा ठाड़ बाड़ के साथ आए। सब लिखा दिया, कुछ छूटा तो नहीं? अरे आओ आओ बैठो बैठो भाई, सब लिखा दिया है। तुमको कुछ लिखवाना है तो तुम भी लिखवा दो। हाँ लिखो लेखपाल, मेरे सिल बटना टूट गए हैं तो समधी जी सोने के सिल बटना लेते हुए आए। हाँ लिखने वाले भाई लिखो कि सोने के सिल बटना लाना है। हाँ भाई तो ये खत हुआ पूरा। अरे नापित, ओ नापित, अरे कहाँ मर गया भाई? जी महाराज। सुनो ये खत हमारे समझाने लेते जाओ। जी महाराज। और हाँ घर से कुछ खाने के लिए लेते जाना, नहीं तो भूखा मर जाएगा भाई, हमारा समधी तो नंगा है। तो क्या महाराज हमको खाने को भी नहीं मिलेगा? अरे कह रहा हूँ भाई घर से रोटी लेते जा, चिंता क्यों करता है? जैसी प्रभु की मर्जी। अब देर मत कर, फौरन जूनागढ़ के लिए निकल जा। जी महाराज। हाँ हाँ महाराज, हमने सुना है वो तो आपके भाई है। हे बदतमीज, क्या कहता है? खबरदार, किसने कहा कि वो मेरा भाई है? वो मेरा भाई भाई नहीं है। खबरदार जो उसको मेरा भाई कहा तो। अरे वो तो एक साधु बाबा है, से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये ले अपना पत्र और भाग यहाँ से। अरे देखता क्या है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? और आज के बाद यदि मेरे घर के आस पास नजर आए ना, हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे। भाग यहां से। Night.
कौन हो तुम? कहां से आए हो और किस चिंता में डूबे हो भाई? भैया, सारे गांव में नरसिंह का पता पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मगर कोई गांव का आदमी पता नहीं बता रहा है। ये भात पत्रिका देना है, बस एक बार ही पत्रिका दे दें भैया, हमारी चिंता मुक्त हो जाएगी। भैया तुम चिंता मत करो, आपको मालूम है नरसिंह कहाँ है? अगर आपको पता है कि नरसिंह कहाँ मिलेगा तो हमें बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया तुम बहुत थके लग रहे हो। हाँ हाँ, हाँ। और भैया तुम्हें प्यास भी लगी होगी। हाँ, दिन भर हो गए गलियों में भटकते भटकते, प्यास से गला सूख रहा है। वो देखो, लो पी लो पानी। वाह भैया, तुमने तो आत्मा ठंडी करवा दी। अब बताओ कितनी दूर और चलना पड़ेगा? वो देखो, झोपड़ी के बाहर लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले जो महात्मा बैठे हैं, वो ही नरसी जी हैं। भैया तुम्हें नरसी जी से मिला दिया, अब हम आओ काम खत्म, अब हम चलते हैं, तुम मिलो अपने नरसी जी से। वाह भैया, बड़ी मेहरबानी भैया, जय श्री राधा कृष्ण की। अरे महाराज, आप रो रहे हैं? लेकिन क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रामा बिटिया की याद आ गई थी इसलिए रो रहा हूं। अच्छा चलो, कोई और बात बाद में सोचेंगे, तुम यहां बैठो, मैं भोजन पानी की व्यवस्था करके आता हूं। हाँ, हाँ। बैठना। कहिए प्रभु, क्या बात है, आप रो रहे हो? हाँ प्रिय,
मैं रो रहा हूँ। मगर क्यों रो रहे हो स्वामी, क्या बात है? समध्याने से नाई आयो है प्राण प्रिय, उसके खाने का कुछ इंतजाम कर दियो। क्या, क्या कह रहे हो स्वामी? 3 दिन से यहाँ चूल्हा नहीं जला, अगर घर में कुछ खाने को होता तो मैं तुम्हें नाई देती। कछु करो प्राण प्रिय, बाकू मेहमानी तो करानी पड़ेगी। समध्याने का नाई हमारे यहाँ से भूख हो गयो तो मेरी बड़ी तौहीन होगी। तो फिर मैं क्या करूं स्वामी? किसी पड़ोसन के घर चली जाओ, उधर से ले आओ कुछ मिल जाए तो। हमारा भक्त विपदा में है, मेरे भक्त का नाई भूखो बैठा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। जी स्वामी।
क्या सोच रहे हो? मेरी झूठ मान रहे हो? तो ये देखो, सोने की थाली और सोने का लोटा जो आपने मुझे दिया है। आप तो अपनी धुन में इतना खोए रहते हो महाराज कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। हे प्रभु, हम तो मोह की निंदिया में सोए रहे और तुम नाई की मेहमानी करके चले गए। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। महाराज, अब तुम हमें बताओ, तुम्हारे समधी मनसा सेठ को हम क्या जवाब दें? आप भात लाओगे कि नहीं? भैया, हम आवेंगे तो भात लावेंगे, वरना हम मन मार के घर में ही रह जावेंगे। हमारे तरफ से समधी को राधा किशन कह दियो, हमसे जैसे बनेगो लावेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। जय श्री राधा कृष्ण की। जय श्री राधा कृष्ण। एक समय हमारे पास खूब दौलत थी और मोहल्ले में किसी बिटिया की शादी होती थी तो हम बिना सूचना मिले वहां जाकर 100, 200, 500 रुपए यूं ही दे आते थे। अगर वो व्यवहारी हमारा व्यवहार दे जाते तो रामा बिटिया के बाग के लाने कछु तो सामान ले आते। हमने नाई को गांव में भेजा कि गांव वाले हमारा व्यवहार दे जावे, मगर सब बेईमान निकले। अब हम बेटी के यहां भात लेके जाए रहे और हमारे पास कछु ना है। अब मैं अपने भाइयों के पास जाऊं, वो तो पैसे वाले हैं, शायद कछु मदद कर दे हमारी। Hey!
तुम्हारे भाइयों ने क्या कहा? बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ी है तो दुश्मन हजार होते हैं। प्रिय, आज मेरे बुरे वक्त पर भाई भी साथ छोड़ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भगवान तो मेरी मदद करेगा, वो मेरी बात थोड़ी ना खराब होने देगा। अब तो महात्माओं को ही साथ लिए चलता हूं, मगर कोई महात्मा लंगड़ा है, कोई बहरा तो कोई अंधा है, कहो को चलो ना जाए, इनके लिए गाड़ी तो चाहिए ना। हाँ, वो सामने बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद वो अपनी बैलगाड़ी दे दे। अगर वो भाड़े पे गाड़ी दे दे तो काम बन जाएगा। अरे ओ परसी, अरे नरसी, तू तो बहुत दिनों में आया है, क्या बात है भाई? हाँ भैया, तुम्हारी बिटिया की चिट्ठी आई है, भात भरन को जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे लायक कोई काम बताओ। बंधु, तुम्हारे पास तो बैला गाड़ी है ना, मोए दे दो थोड़ा, मुझे भात भरन को जाना है। बंधु, गाड़ी बैल तो वो बंधे हैं, पर मेरे बैलन ने चार दिनों से तिनका भी नहीं खाया है, बैल थक कर बैठ गए हैं और इनके पैर में सूजन आ गई है। हमने लाठियां मार मार के खूब उठाने की कोशिश की, पर बैल उठने का नाम ही नहीं लेते, और गाड़ी बारिश में भीग कर बेकार हो गई है, रस्सियां पूरी सड़ गई है, गाड़ी कोनो काम की नहीं है। अब बताओ भाई, क्या करें? बंधु, चलो हमें वहां ले चलो, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूं। हाँ हाँ, चलो। हाँ चलो, हाँ चलो, 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 चलो। Thank you.
अरे भैया कुछ करो, गाड़ी को बांध के तैयार कर दो। हाँ। गाड़ी के तो नाव ही टूट गयो है। हाँ भैया। अरे धूरा ही अलग हो गयो है भैया। हाँ भैया हाँ। सब पुर्जा अलग थलग हो गयो है, जा गाड़ी का तो फसाला ही हो गयो भैया। अरे भैया बहुत मुश्किल काम लग रहा है, बहुत मुश्किल काम लग रहा है भैया। भैया एको बांध के तैयार करो। अरे भैया रस्सी तो है ही नहीं, काहे से बांधे। ऐसा करो, इन महात्माओं की जटा काट के रस्सा बना ले और रस्सा लेके गाड़ी बांध ले। जा गाड़ी तो आगे चल ही ना पावेगी। अरे भैया हमें तो लागत है सांवलिया के बिना जा गाड़ी को कोई नहीं है चलैया। अरे भैया तेरी गाड़ी तो सांवलिया ही हाकेगो, वो ही इसे चलावेगो। हाँ समधी आयो है। कौन सा समधी? वो अपना नाम नरसिंह बताता है, जूनागढ़ से आया है और वो कहते हैं हम मनसा सेठ के भतैया हैं और उसके साथ में लंगोटा संगोटा वाले महात्मा हैं और जो तन पे भभूति मले हैं। अरे उस बाबा जी को गांव के बाहर जो हमारी गायों वाली खिड़क है ना जी, उसमें ठहरा दो जी। और याद रखना वो बाबा जी गांव के अंदर घुसने ना पाए जी, नहीं तो हमारी सारी इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी। जी सेठ जी। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा जल्दी भाग।
क्या दशा हो गई है तुम्हारी? जब तुमने मेरी घर से विदाई की थी तब तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, अब तुम्हारा चेहरा एकदम से मुरझा गया है पिताजी। और मेरी मैया कैसी है? जैसी मेरी हालत है ना बेटी, वैसी तेरी मैया की भी है, वो भी तेरी याद में मुरझा गई है बेटी। जब आपके पास बात में देने के लिए कुछ था ही नहीं तो आप क्यों चले आए? पिताजी आपका इतना बड़ा कुनवा है तो कोई भी आपके साथ नहीं आया, जब आपके साथ कोई नहीं आया तो आप इन साधुओं को ले आए? इन्हें यहाँ पे लाके आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं। क्या आपको पता है मेरी सास मुझे कितना भला बुरा कहेगी, मुझे चैन से पानी भी पीने नहीं देगी। पिताजी अगर आपको मेरी जरा भी लाज है तो सवेरा होते ही आप यहाँ से चले जाए। चले जाना पिताजी, चले जाना। कह रही है क्या? कह रही है बेटी, बेटी तू घबरा मत, भगवान तेरा भाग जरूर लाएगा। अरे उसके पीछे मैं जोगी बन गया, वो मेरी लाज अवश्य बचाएगा, वो बड़ा दयालु है बेटी, विश्वास रख वो तेरा भाग अवश्य लाएगा बेटी। जाने कैसे वो बात भरे, अगर उनके आने की कोई उम्मीद न हो तो यहाँ से बोर होते ही तुम यहाँ से चले जाना पिताजी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बात पिताजी, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने दरिद्र हो चुके हो। बेटी आज मुझ पर गरीबी आ गई बेटी, तो तुम इतनी बातें कर रही हो। मैं तेरा वही बाप हूँ जब मैंने तेरा विवाह बड़े धूमधाम से किया था बेटी, काफी धन माल मैंने तुझे दहेज में दिया था,
पर तू चिंता ना कर बेटी, कन्हैया मेरी लाज जरूर रखेगा। अब तू जा यहां से बेटी, तेरी सास तुझसे जरूर लड़ेगी। जा बेटी, जा जा बेटी, जा। गरम पानी लाई हो, क्या मुझे जलाना चाहती हो? जरा होश में रहो। अरे तुम तो इठलाने लगे। खैर मना, आज तेरे लिए पानी ले आई हूँ। बेशरम, बेहया, तुझ पे अगर हाथ उठाए ना तो दोष मुझे ही लगेगा है? इतना गरम पानी ले आई कि मेरी उंगली तक जल गई। फिर तू कैसा महात्मा है, क्यों पीले छीर पहना है? अगर ऐसा है तो अपने तप से पानी बरसा ले और इस पानी को ठंडा करके नहा ले। मुझे आजमाना चाहती है? देखो अभी बताता हूँ। वो मुरली वाला ना सदा भक्तों की लाज रखता है। हाँ चल हट यहाँ से, बताता हूँ। तो कह देना अपने मुरली वाले से पानी बरसा दे। रुक जा, बताता हूँ। मुझे माफ कर दो महाराज। Time!
रद्दारी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? हम नरसी जी के मुनीम हैं। हम जूनागढ़ से आए हैं। हमारे सेठ जी कहाँ हैं? अरे आप यहीं रुकिए, मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ। नरसी बाबा, नरसी बाबा, हाँ? रथ से कोई आए हैं जो अपने आप को आपका मुनीम बताते हैं। हमारा मुनीम? जी हाँ। चलो देखता हूँ कौन है, आता हूँ। और महाराज क्या हाल चाल है? अरे प्रभु, उठो नरसी, तुमने हमें पुकारा और हम आ गए। हे स्वामी, बहुत देर में खबर लेते हो। भक्त, तुम मुझे दोष ना दो, मैं अपने भक्तों की खबर लेने में देर नहीं करता। जब तुमने दोष लगा ही दिया है तो सुनो। नरसी जी, पहले मंशा सेठ को बुलवाइए। जी महाराज। हाँ नरसी जी, भात की वो चिट्ठी निकालो जिसमें भात की सारी सामग्री लिखी है इन्होंने। ये लीजिए। ना ना, आप ही हमें पढ़कर बताते जाइए कि पहले क्रमांक पर क्या लिखा है। पहले क्रमांक पर 100 मन धनिया लिखी है महाराज। कुबेर जी, इन्हें 200 मन धनिया दे दीजिए। 200 मन धनिया। और क्या लिखा है इसमें? दूसरे क्रमांक पर 100 मन
मिर्च लिखी है महाराज। कुबेर जी, इन्हें 200 मन मिर्ची दे दीजिए। अरे बाप रे, 200 मन मिर्ची। सारी स्त्रियां भात पहन चुकी, कोई रह तो नहीं गया। हाँ प्रभु जी, भात सबने ले लिया। नरसी जी, जी महाराज, आप अपनी समधन को बुलवाइए। आजा आजा। और देखो चिट्ठी में इन्होंने क्या क्या लिखवाया है। अच्छा जी महाराज, इन्होंने हीरे जड़े चुनरिया और मोती जड़ित घाघरा लिखवाया है महाराज। हाँ रुक्मणि जी, तुम समधन के लिए समधन बन जाओ और ये चुनरी समधन को उड़ा दो। मैं इसकी कीमत बता दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता दो। इस चूनर की कीमत 7 करोड़ की है, हीरे पन्नों की तो कोई गिनती ना आए। और इस घाघरे को कुबेर जी यहाँ लाके दें। ये लो, इस घाघरे को समधन जी को भेंट कर दो। समधन जी, ये सोने का तुमने जो सिलबटना मंगाया था वो तो लेते जाओ। कुबेर जी, इन्हें वो सोने का सिलबटना दे दो। जी महाराज। समधन जी, जरा संभाल के उठाना, जरा भारी है। एक मन का सिल है और एक मन का वटना है। सासू जी, जरा संभाल के पाँव पे मत पटक ले। अब तुम हट जाओ रुक्मणी, अब हमारी बारी है। अरे बहनोई साहब, हमारे हाथ से भी भात पहन लीजिए।
चमकीली चुनर उड़ के सवेरे सवेरे कहाँ चली? और इतनी कीमती चुनरिया तेरे पास कहाँ से आई? तै चुरा के लाई है का? अरे मर जा तू, रात भर तो तू सोती रही है। यहाँ गांव में कन्हैया आओ तो सबको भात बांट के गयो है, तो कहाँ गयो? वो उस तरफ कन्हैया, 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 रुको कन्हैया। कुबेर जी, रथ रोकिए, हमने पूरी रात भात पहनाया है फिर भी वो बुढ़िया रह गई। कुबेर जी, जाइए सिरसागढ़ में, सवा पहर तक हुंडियों की बारिश कीजिए। जी महाराज। ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें कुछ नहीं मिला। जी महाराज।